और मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज्यादा हर्षित हूँ, बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ इतनी बड़ी संख्या में अपने लोगों को, जिस तरह से हमारी बहनें पूरा काम घर बार की जो जिम्मेदारियां संभालती हैं वो हमारे बीच में सुबह से बैठी हुई हैं। और मैं अपने आप को उनका आभारी मानती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं अपनी बात आप सबके बीच में साझा कर सकूँ। थोड़े से शब्दों में ही अपनी बात करना चाहूंगी। हमारे समाज में जिस तरीके की स्थितियां हैं उसमें बहुत ज्यादा महत्व इस बात का बन जाता है हमारे सामने कि हम किस दिशा में हैं। ये हमें रास्ता तय करना है कि हम कौन से रास्ते पर चले, बुद्ध के रास्ते पे या फिर जो हमारा पूरा का पूरा ब्राह्मणवादी, मैंने ब्राह्मणवादी कहा है, ब्राह्मण नहीं कहा, ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो हमारी है, जो जात पात पर आधारित जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उस व्यवस्था के रास्ते पर चलते हैं। आपको सबको पता है कि हमारी बहुत सारी महिलाएं पूरे 9 दिन और पुरुष भी, हमारे भाई भी पूरे 9 दिन दुर्गा माता की पूजा करके नवरात्रों का उत्सव मनाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा हर्ष का विषय बन जाता है कि हमने कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को चुनौती देने का काम किया है। और मैं ये बहुत शिद्दत से महसूस करती हूँ कि अगर इस पूरे की पूरी व्यवस्था में सिर्फ एक चीज को निकाल दिया जाए तो हमारी पूरी परंपरागत जो सदियों से जो व्यवस्था चली आई है वो कहीं ना कहीं ढहने के कगार पर होगी। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, इतनी संख्या में इतनी ज्यादा में यहाँ पहुंचे हुए देखकर। दूसरा, मैं शिक्षा की ओर लौटते हुए ये कहूंगी कि हमने अभी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि कहा। मैं ये कहूंगी कि इसको हम अगर शिक्षा से जोड़कर देखें तो बुद्ध का अर्थ जो हमारे सामने आता है वो शिक्षा है, यानी कि ज्ञान की जो परंपरा, जो हमारे जो मूल आधार है, जो शिक्षा का पाने के बाद जो ज्ञान की जो परंपरा हमारे सामने आती है वो बुद्धम शरणम गच्छामि की तरह है। दूसरा, अगर हम बुद्ध के सिद्धांत को ही देखें, धम्मम शरणम गच्छामि, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन, एक शिक्षित और ज्ञान पाने के बाद एक एक जो ज्ञान की जो चिराग जो उसमें जलता है, जो पूरी अंधकार से रोशनी की ओर लेके जाता है, प्रकाश की ओर लेके चलता है, वो है हमारा धम्म। धम्म यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। मैं इन तीनों सूत्रों को, भगवान बुद्ध के तीनों सूत्रों को इस तरह से देखती हूँ, बुद्ध एजुकेशन, धम्म ऑर्गेनाइजेशन और संगम। संगम हमारा संघर्ष, रिहेलेशन, हमारा जो जो हमारे समाज में जो समस्याएं हैं उनका पुनर्जागरण करना, उनको हम पुनर्जागरण के तौर पर, अगर पुनर्जागरण जिस तरह से ज्योतिबा फुले का रहा, आप सबको पता है कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी जो बाबा साहब अंबेडकर की जो विचार की है वो तीनों से बनी, बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अंबेडकर, तब हम अंबेडकरवादी विचारधारा के वाहक बनते हैं जो हमारे समाज को एक नई दिशा देता है। और हमारे भाई जो अभी बोल के गए हैं इतना अच्छा उन्होंने स्मृतियों का पूरा व्याख्यान किया, एक संस्कृत की अध्यापिका होने के नाते मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि किस तरह से हमारे धर्म शास्त्रों में ये सारे की सारी ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। इसमें एक शब्द में अगर मैं कहूँ तो ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म से अगर ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था निकाल दी जाए, अगर ये जात पात की व्यवस्था से निकाल दिया जाए तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि हिंदू धर्म में इसके अलावा और कुछ नहीं बचता। अगर इस वर्णवादी व्यवस्था को, जातिवादी व्यवस्था को अगर हम निकाल दें तो पूरा का पूरा जो सिस्टम जो हमारे सामने है, जो सदियों से हमारे सामने जो है वो एकदम ढह जाएगा। इसको हम दूसरे रूप में ये दे सकते हैं कि जिस तरीके से साहित्य हमारे सामने आता है, जो साहित्य हम पढ़ते हैं, मुझे आज भी याद है कि बौद्ध धर्म को जो हम संस्कृत में पढ़ते थे, हमारे संस्कृत में एक पेपर भी होता था बुद्धिस्ट थ्योरी, उसमें जो हम पढ़ते थे वो हिंदू धर्म का ही एक अंग है। उसमें कोई भी ऐसी चीज हमें दिखाई नहीं देती जो बुद्ध धर्म की तरफ जाती हो, धम्म की तरफ जाती हो, नॉट धर्म,
धर्म की तरफ जाती हूँ, लेकिन जो असल में जो मूल जो मूल जो मौलिक जो संस्कृत साहित्य से बिल्कुल एकदम चैलेंज करने वाला जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था। इसलिए इन सारे शास्त्रों में जो कहा गया है वो पूरी तरह से उसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सदियों से उसने हर तरह से प्रयास किया है कि वो छोटी से छोटी जगह पर पहुंचे। इसलिए हमारे कमिश्नर साहब ने अभी आपके सामने कहा कि शिक्षा जो है, शिक्षा का जो मूल मंत्र है वो इस व्यवस्था को देखने में, इस व्यवस्था को